नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास चौहान श्री होरीलाल आईटीआई कॉलेज के यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उस दिन वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल बता रहा था, तो आइए उससे आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कुछ नियम होता है। नियम ये होता है कि करंट डिवीजन रूल कैसे हम जो डिफाइन करेंगे, मतलब कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, मतलब कुछ नियम है। जब दो पैदोल पैरेलल में हो तब करंट डिवीजन रूल लगेगा। हमने बताया दोस्तों, जब दो प्रतिरोध पैरेलल में हो, यदि दो प्रतिरोध से ज़्यादा हो पैरेलल में, यदि दो प्रतिरोध से ज़्यादा हो, तो जिस प्रतिरोध पर करंट ज्ञात करना है उसे छोड़कर बाकी सभी को जोड़कर एक प्रतिरोध बना लेना है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर इसमें निकालना है और कई प्रतिरोध ऐसे हैं तो जोड़कर इसको एक बना लेना है, कि इसको लेकर दो हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए इसमें कुछ नियम है फिर पता कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से करंट चलेगा जो है टोटल करंट, कुछ यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा। आई टू मान लीजिए, या इसको आई टू इसको आई वन मान लीजिए, अपना मानना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आई वन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आई वन टोटल आई कहाँ है, यहाँ पर है टोटल आई का पूरा। यदि इसमें निकालना है दोस्तों, इस पैट्रोल को ऊपर रखिए, इसको थोड़ा सा उल्टा इसमें सोचना होगा। आर टू बटा दोनों को जोड़ ले लिया, आर वन प्लस आर टू, ये निकल गया। इसमें बराबर टोटल आई का पूरा, यदि इसमें निकालना है तो इसके गरीब वाले को रखिए, वो सूत्र निकल कर आ गया जो है। तो आइए दोस्तों आजमा लेते हैं इस पर, उसके बाद इस पर देखिए टोटल 15 है। निकालते हैं आई वन का मान, इसका मान निकालते हैं इसमें कितना करंट जा रहा है, निकाल लेते हैं आई वन, वही अपना टोटल आई कहाँ दिया है, 15 दिया है। पूरा आर टू कहाँ दिया है, 5 दिया है। तो दोस्तों इसको दोनों में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा, कट गया, कितना आया, 5 दिया। आइए इस पर देख लेते हैं टोटल कितना है, 15 है। आर वन का मान कहाँ दिया है, यहाँ ऊपर दिया है 10। दोनों को जोड़ेंगे, यही ना, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब 10 इंच या 5 इंच इसमें। तो टोटल आई निकालने के लिए क्या करते हैं, आई वन प्लस आई टू कितना आया था इसमें, 5 प्लस 10 बराबर 15 इंच। टोटल 15 इंच के बराबर आया या नहीं। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पेट्रोल ज़्यादा होगा करंट वहाँ पे मतलब कि कम जाएगा, जहाँ पेट्रोल कम होगा वहाँ पर करंट मतलब ज़्यादा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है।
तो ऐसे जो है ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों पैरेलल में वोल्टेज जो है सेम होता है। अब पूछ लिया जाएगा इस वोल्टेज का मान कितना है, तो भी जो है आसानी से बताया जा सकता है। आई वन का मान कहाँ निकला है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई वन अपना जो है कितना निकला था, 5 गुणा हो जाएगा, क्या करते हैं वी बराबर आई इंटू आर ही करते हैं। ये 5 है, ये 10 है, कितना 50 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इस पर भी वही 50 वोल्ट आएगा, यहाँ पर भी 50 आएगा, यहाँ पर भी 50 आएगा। कैसे, अब देखिए इसमें कितना आया था, 10 एम्पियर आया था, यहाँ पर 10, ये कितना दिया है 5 बराबर 50 वोल्ट। कहने का मतलब दोस्तों पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज बताना हुआ बता लेंगे, किसी एक पर कर लेंगे जो है गुणा, एक पेट्रोल और करंट से गुणा कर लेंगे, वही सबका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 वोल्ट आराम से। तो चलिए दोस्तों आगे और कुछ देखते हैं। ये तो जान ही गए होंगे, इसको रब कर देता हूँ। मान लीजिए 20 ओम है, ये जो है 30 ओम है, तो जी तुम्हारी तो दोस्तों इस करंट का मान अगर पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे, इसको जो है पैरेलल में जोड़ लेंगे, क्या करेंगे पैरेलल में दोनों का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि हम आगे बता चुके हैं एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसमें अगर भाग देंगे कितना बार जाएगा, 2 बार, इसमें 3 बार, तो कहने का मतलब वही निकालते थे पैरेलल में ही ऊपर जाएगा। कितना बारह ओम हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 12 ओम।
आई बराबर जी इंटू एक सौ बीस, इसके बाद कितना आया था 12, कहने का मतलब 10 एम्पियर करंट आया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आई बराबर 10 एम्पियर है। अब दोस्तों अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर आई वन का मान बताइए, आई टू का मान बताइए, तो क्या हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे? नहीं, हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज जो है सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। हम इसका जो है उठाकर इसमें भाग दे देंगे, इसका करंट निकल जाएगा। इसका उठाकर इसमें भाग दे देंगे, इसका करंट निकल जाएगा। यदि अगर वोल्टेज दिया है तो करंट डिवीजन रूल मत लगाइए, सीधा जो है इससे भाग दे दीजिए, निकल जाएगा आपका आई टू निकल जाएगा, आई वन निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से मतलब देख लेंगे। तो दोस्तों आई वन का मान निकालने के लिए हम क्या कहा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है 120, और रेजिस्टेंस कितना है, हाई एम्पियर, इसमें कितना है 120, उसके बाद 3 3 4। दोस्तों टोटल आई निकालने के लिए आई वन प्लस आई टू 6 प्लस 4 करेंगे तो ये 10 के बराबर आ गया जो है। यदि अगर पैरेलल में वोल्टेज दिया है तो आप करंट डिवीजन रूल मत लगाइए, सीधा जो उत्तर लाइए जो है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ दोनों तरीका आप जानिए। ये तो निकल गया, सीधा ड्राइव कर देंगे यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन आइए दोस्तों उस पर भी देख लेते हैं, जितना बार प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रहेगा। इसके लिए हम क्या सूत्र बनाए थे, इसके लिए क्या सूत्र बनाए थे, टोटल आई गुणे इसमें निकालना कि इसका जो है आर टू आर वन प्लस। तो आइए टोटल आई रखते हैं 10 गुणे आर टू कहाँ दिया है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 10 एक कम 10, 10 5 50, 5 एक कम 5, 5 6 3। चलिए आई टू पर क्या, इसके लिए क्या सूत्र बनाए थे हम, इसके वाले ये वाला रखिए विपरीत वाला, टोटल आई गुणे इसमें निकालना जिससे विपरीत वाला रखिए आर टू, टोटल आई कितना है 10 है। आर वन का मान देखिए कहाँ दिया है 20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एक कम 5 कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। वही चीज़ है, टोटल आई जब जोड़ेंगे ऊपर टोटल जब आई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसका जो है अपन के 6 आया था, इसका जो है 4 आया था 10 एम्पियर। तो दोस्तों दोनों पर उत्तर आ जाएगा जो है। अगर वोल्टेज दिया है तो आप करंट डिवीजन रूल मत लगाइए, जो सीधा जो है आप बता दीजिए डायरेक्ट, इसमें जो है इसका भाग दे दीजिए, इसका भाग दे दीजिए, क्योंकि पैरेलल में पता है कि वोल्टेज सेम होता है। दोस्तों आइए आप थोड़ा सा वोल्टेज डिवीजन रूल बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में वोल्टेज डिवीजन रूल बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।